हाय दोस्तों, टेक्निकल वी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे कि फेल ट्रांसफार्मर को कैसे सही किया जाता है, क्या ट्रिक है, किस तरीके से सही करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ट्रांसफार्मर किस में फेल है, अगर फेल है तो कौन सी पोजीशन पर फेल है या कौन सा फेज है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग इंजीनियर हैं या ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हमारा सारा वीडियो आपके बहुत काम आएगा। हमने जितने भी वीडियो अभी तक डाले हैं, ये सब लाइव टेस्टिंग चल रही है, लाइव टेस्टिंग होते हुए आपको दिखाया गया है। ये हमने 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लिया है, इसकी एचवी साइड में 3 लीड लगा दिया और इसके एलवी के 3 फेज को स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें ये दिखाने वाले हैं कि अगर कोई जॉब ओपन है या ओपन नहीं है तो कैसे आपको पता लगेगा कि जॉब ओपन है कि नहीं है। इसका हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिखाएंगे, लोड लॉस टेस्ट करके दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे अगर जॉब सही है, ओपन नहीं है तो क्या करंट आएगा, अगर जॉब ओपन है तो क्या करंट आएगा। ये हमने लोड लॉस टेस्ट कर रहे हैं, ये 10 KVA एक ट्रांसफार्मर है, इसका फुल लोड करंट 0.5 to 5 ampere आता है। अगर जॉब सही है, ओपन नहीं है तो करंट तीनों फेज में सेम आएगा, आपको दिख रहा है तीनों फेज में करंट अप्रॉक्स सेम आ रहा है, आप देख सकते हैं I1, I2, I3 करंट बराबर आ रहा है। इसका मतलब जॉब ओपन नहीं है, जब तीनों फेज में करंट सेम आता है तो जॉब ओपन नहीं रहता है। अब हम दिखाएंगे कि जॉब ओपन रहता है तो क्या करंट आता है। जब जॉब ओपन रहेगा तो एक फेज में करंट डबल हो जाएगा। आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो, अगर जॉब ओपन रहेगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा एक फेज में, जो फेज ओपन रहेगा। साइड पर रेजिस्टेंस मीटर नहीं रहता तो मल्टीमीटर रहता, मल्टीमीटर से तीनों फेज अलग अलग करके चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा है जो फेज ओपन रहा रहा उसमें करंट जस्ट डबल हो गया है, ये तीसरे फेज में करंट डबल हो गया है। इसका मतलब इसका एक फेज ओपन है, पावर लाइजर में दिखा रहा है इसका एक फेज ओपन आ रहा है, लेकिन कौन सा फेज है कन्फर्म नहीं कर सकते हो पावर लाइजर में करंट देख के। आप इसको शॉर्ट करके देख सकते हैं, अभी हम इसको शॉर्ट करके दिखाएंगे कौन सा फेज ओपन आ रहा है, कन्फर्म हो जाएगा अगर जब ओपन है तो। उस एचवी बुशिंग के मेटल पार्ट से ओपन हो सकता है, एचवी के डेल्टा उठाने में जो डेल्टा उठता है डेल्टा से ओपन हो सकता है, कि जब खोलने पर पता लगेगा, लेकिन फेज कन्फर्म हो जाएगा। अब इसमें हम एचवी में सप्लाई दे दिया, अब शॉर्ट करके दिखाते हैं न्यूट्रल और फेज के बीच में जो स्पार्क होगा, आपको दिख रहा है जो स्पार्क हो रहा है वो सही है। वाई में भी देख रहे हैं, इसमें भी स्पार्क हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, तीसरे फेज में स्पार्किंग नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं स्पार्क हो रहा है, इसमें स्पार्क नहीं हुआ। ये इसका एक तार न्यूट्रल में लगाएंगे और दूसरा तार फेज में लगाएंगे, जो स्पार्क होगा वो फेज सही है, जो स्पार्क नहीं होगा वो फेज ओपन आ रहा है। ऐसे इसको हम कंफर्म कर लेते हैं शॉर्ट करके। अब जब ओपन करोगे तो कंफर्म हो गया है तीसरा फेज है, तीसरे फेज में ही देखना है, या डेल्टा से हो सकता है या मेटल पार्ट से हो सकता है। इस तरह से ओपन जॉब का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा फेज है। इस प्रकार हमारा वीडियो आप देख के टेस्टिंग सीख सकते हैं। आगे हमारे इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन माय वीडियो।